हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आरबीसीजे के एक्सक्लूसिव लाइव इंटरव्यू में मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त जिब्रान नूरानी, और मेरे साथ आज ऐसे शख्स बैठे हुए हैं जो इंडिया के फनीएस्ट पर्सन कहे जा सकते हैं। ये कुत्ती भी है, ये चुटकी भी है, ये डॉक्टर गुलाटी भी है, ये रिंकू मासी भी है, भाभी भी है। अगर कपिल रोलिंग पेपर है तो सुनील ग्रोवर कोकेन है, ठीक है ना। सर, हमारे 1,20,00,000 जनता से की तरफ से मैं भी आपको वेलकम करना चाहता हूं यहाँ पे आरबीसीजे के। ये फ्लॉन्ट कर रहे हो ना तुम अपने 1,20,00,000 जनता से, है ना यार। देखो कितने लोग है, वाह जिब्रान, आई नो। ये इनडायरेक्ट जो तुम अपनी ही प्रेज कर रहे हो ना, ये मुझे समझ में आ रही है। हमारे 1% है, 100 करोड़ जनता तो आपको पसंद करती है, हमको तो 1 करोड़ जनता भी पसंद करती है। अच्छा, तो तुम्हारे पास हाजिर जवाबी भी है। अरे सर, नाइस मीटिंग आपसे सीखा सर, थैंक यू। माइक हाथ में क्यों रखा हुआ है तुमने? वो 1,20,00,000 लोग तुमको देख रहे हैं, तुमने वो पप्पू नहीं खरीदा हुआ जो यहाँ पे लगा के यहाँ पे हो जाता है? सर वो पैसे नहीं है, थोड़ा बजट कम है। देखो तो जूते भी भाई से मांग के पहन के आया हूँ। भाई और तुम्हारा साइज सेम है, लकी हो भाई। भाई हाँ, सर हमारा सिर्फ पैर का साइज सेम है। ओके डूड, तुमने कहा कि मैं जो टैलेंटेड वैलेंटेड हूँ वो सब ठीक है, बट मेरे को अभी ये है कि मेरे को थोड़ा सा ना अपनी ड्रेसिंग सेंस इम्प्रूव करनी है। जी सर। तो मेरे को यह कि मैं अच्छे कपड़े पहनूं और लोग, मैं मशहूर हो गया हूं सर, तो अब लोग मेरे को अच्छे कपड़ों में देखें। सर आप तो साड़ी में भी बहुत खूबसूरत लगते हो। वो तो तुम्हारी नजर खराब है ना दोस्त, तुमको उसमें मैं लगता हूं, वरना तो मैं भरा पूरा मर्द हूं, लेकिन तुम्हें मैं उसमें देखूं। अच्छा, तो मैं चाहता हूं कि इफ यू डोंट माइंड, कैन आई बोरो 20 सेकंड्स? जी जी, 100% फ्रॉम एवरीबडी। हेलो जी, सो आई विल गो बाय योर रिस्पॉन्स, वट एवर यू से। आई एम वेयरिंग दिस जैकेट, इट्स अ न्यू डेनिम जैकेट बाय द वे। आप फ्लॉन्ट कर रहे ना डेनिम जैकेट? फ्लॉन्ट नहीं कर रहा, मैं तो बता रहा हूँ कि मैं, अगर तुम मेरे घर पे आते ना, मैं वार्डरोब खोल के दिखा देता पूरा। बट यस, सो ये है, एक मिनट आप पकड़ेंगे। हाँ जी सर। और इसके नीचे मैंने टी शर्ट पहना हुआ है। अब आपको बताना है कि क्या अच्छा लग रहा है, तो मैं वही पहन के आपसे बातें करूंगा। और एक जैकेट भी है सर, जैकेट भी है हमारे पास। हमारे पास नहीं, वो मेरी जैकेट है, आप अपना हक ना जमाएं उसके ऊपर, वो मेरी जैकेट है। सो ये टी शर्ट है, नॉर्मल टी शर्ट, एंड इसके ऊपर ये वर्क किया हुआ। मुझे लगा डोले बता रहे हो। डोले तुम जिम जाते तो इसका मतलब सारी जनता थोड़ी जाती है। ओके, और एक ये अब नंबर नोट कर लीजिए पहले। दिस ऑप्शन विच यू हैड सीन विद दिस जैकेट, इसके साथ ऑप्शन है आपके पास, दिस इज ऑप्शन ए, ओके, विद द जैकेट। ऑप्शन ए जैकेट, विदाउट द जैकेट इज ऑप्शन बी, सो दिस इज ऑप्शन बी। ओके, और जैकेट के साथ में ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। सो आई हैव टू स्टैंड अप एंड वेयर इट। ऑप्शन डी ये होगा कि सारे कपड़े, ऑप्शन डी इज कमिंग ऑन 6th of January। अच्छा, विच इज कॉफी विद डी, बट यस, वन सेकेंड। सो दिस इज ऑप्शन डी, ओके, और सी। सो दैट दिस वाज ए बी और सी। सी, सो प्लीज टेल मी कि जो पहले 5-7 जल्दी जल्दी लोग लिख देंगे, ए बी सी डी। सर बी बोल रहा है कोई, ए बोल रहा है, ये विदाउट कौन लिख रहा है? आर्यन, आर्यन गुलाटी बोल रहा है, अपना काम कर। ओंकार भोर ए बोल रहे हैं, अविनाश उपाध्याय बी बोल रहे हैं, मानसी किसी को नहीं आ रहा। मोस्ट एक्सपेंसिव जैकेट गाइज, कम ऑन, मैंने जिंदगी में सबसे महंगी जैकेट ये खरीदी। और आप कुंतल मोदक डी बोल रहे हैं, डी का ऑप्शन नहीं है मेरे, डी तो 6 जनवरी को आएगी ना कॉफी विद डी। हर्षित बोल रहे हैं अंडरगारमेंट पहन के आए हो कि नहीं? सर ये क्या है, फैमिली शो में ऐसे? हमारे घर में कोई अंडरवेयर नहीं पहनता दोस्त, मतलब मैं और मेरे पापा एक ही अंडरवेयर यूज करते हैं। और जब है? नहीं, मैं बता रहा हूँ। हाँ। अभी जैसे मैं अब अंडरवेयर पहना हुआ है, तो मेरे पापा घर पे बैठे हुए हैं। हाँ। समझ रहे हो, हमारे एक ही आदमी बाहर जाता है, और जब मेरे पापा काम पे जाते हैं तो समझ लो मैं घर पे मिलूंगा आपको। एक बार मेरे कॉलेज का वो पेरेंट्स मीटिंग थी, तो मेरे पापा का मुझे फोन आया, कहता बेटे घर पे आ जा, मुझे पेरेंट्स मीटिंग में जाना है। ये हमारा साहब है। और दूसरों के अंडरवेयर पे नजर रखने वाले, तुम्हारा नाड़ा टूटेगा। सर आदिल अंसारी कह रहे सी, और सी, दिस इज सी, या दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑप्शन माय फ्रेंड। आई गो, आई थिंक सर हम लोग सी के साथ ही चलते हैं। गर्मी लग रही है मेरे भाई, हम लोग मुंबई में, दिल्ली में होते इस वक्त, सर एक कर लेते हैं, एक कर लेते हैं, गर्मी भी तो चीज है ना। तो मेरे को लगता है कि ए बी सी जो करेक्ट, एक ऑप्शन और है ई। ई ऑप्शन, ई ऑप्शन कैसे? लेकिन उसके लिए मुझे बाथरूम में जाना पड़ेगा। नहीं नहीं सर, वो मत करिए। नहीं नहीं सर, वो मत करिए, अभी लाइव जनता देख रही है, हमको कैमरा लेके जाना पड़ेगा आपके पीछे पीछे, फिर वो अच्छा नहीं होगा सर। तो क्यों आना चाहते हैं? नहीं मतलब हम भी देखना चाहते हैं ना। मैं ऑप्शन ई इज कि मैं बाथरूम में चला जाऊं। ई और वो पी भी तो है सर ऑप्शन।
हिंदी वाला कि अंग्रेजी वाला? इंग्लिश वाला। इंग्लिश वाला पी, वो तो ऑप्शन आप इवेड कर ही नहीं सकते ना, वो तो आपको हो ही जाना है। हाँ। उसको तो आप रोक ही नहीं सकते, वो ऑप्शन तो अगर आप 15-20 मिनट और इंटरव्यू चलता रहा हमारा बाद में तो ये तो ऑप्शन हो ही जाएगा, डबल पी हो ही जाएगा, डबल पी हो जाएगा। सर मैं आपको कुछ सवाल करना चाहता हूँ। बट वी हैव टू नो माई फ्रेंड, वी हैड अ क्विज व्हाटएवर ओपिनियन पोल, सो वी गो बाय व्हाट? शायद, व्हाट डू यू से? शायद इज सिटिंग बिहाइंड द कैमरा, so हाँ. Shahid, what do you see? You have the camera with you, right? Sir, A, B, C. What I can see is that people are opting for option C. C, report वाला. C. Oh my God. Oh my God. गर्मी गर्मी में ही मारना चाहते हैं लोग. But ठीक है ना. जनता की डिमांड है सर. मैं उनको मेरे को ढका हुआ पसंद हूँ मैं. So I go by the public opinion and I wear this family show. Family show. और साला ये मतलब पूरी राजश्री की फिल्म बना दी कपड़े पिना पिना के. Sir. सर पहला सवाल मैं आपका करना चाहता हूं आर्यन गुप्ता की तरफ से. आर्यन गुप्ता पूछते हैं कि मिस्टर सुनील ग्रोवर, यस, द नेशन वॉन्ट्स टू नो, यस, कि आपकी नई फिल्म कॉफी विद डी, yes. ऐसा क्या है जो सिर्फ आप टीवी पे नहीं देख, मतलब टीवी पे नहीं दिखाते, वो फिल्म में देखना पड़ेगा? इसके अंदर मैं सवा दो सुनील ग्रोवर, सवा मी समथिंग, सवा दो बोलिए, मैं जैकेट उतार के सवा दो घंटे तक मैं एक आदमी के रोल में नजर आऊंगा, एक पुरुष लगातार, मैं कहीं लिपस्टिक नहीं पहनूंगा, कोई मैं विग नहीं लगाऊंगा, कोई मूछ लगाऊंगा, बल्कि एक से एक मैंने कोट पैंट पहने हुए हैं. सो जोक्स अपार्ट, नो बाय जोक्स अपार्ट, कीप द जोक्स इंटैक्ट. सो इस फिल्म में आपके चेहरे, एक स्टोरी है, एक कहानी है, और जो बहुत ही मेहनत से लिखी गई है, और बहुत सारे बेहतरीन एक्टर्स हैं मेरे अलावा, मैं अपने आप को भी इंक्लूड करना चाहता हूं दोस्तों, जाकिर हुसैन है, दीपान्विता है, अंजना सुखानी है, पंकज है, सुनील ग्रोवर एज सुनील ग्रोवर है, और विशाल मिश्रा इन्होंने डायरेक्ट की है, आभार है राइटर जिन्होंने फिल्म लिखी है, कंसीव की है, और उसको एग्जीक्यूट उसमें प्रोड्यूसर जो है उनका एक चेक अभी ड्यू है वैसे पर फिर भी विनोद जी हैं, उन्होंने ये प्रोड्यूस की है, तो ये सब लोगों ने मिलके, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मैं लेना चाहता ही नहीं उन लोगों का नाम, उन्होंने तो मेरे ऊपर बहुत एहसान नहीं किया, ये लोग इम्पोर्टेंट थे, बिल्कुल पसंद नहीं है वो लोग. हाँ, तो ये लोग जो है उन्होंने बहुत काम किया, मेहनत किया, तो इसके साथ मैंने भी बहुत ही मतलब अच्छा इसके अंदर एक्टिंग वैक्टिंग किया, तो थोड़ा फ्लॉन्ट था, फ्लॉन्ट थोड़ा नहीं था, थैंक्स फॉर बीइंग सो हम्बल एंड नाइस टू मी, थोड़ा नहीं था, सरेआम था. हाँ, तो फिल्म में मजा आएगा, स्माइल आएगी आपको चाहिए, डेफिनेटली सर. जनवरी 6 को रिलीज हो रही है, प्लीज देखिएगा कॉफी विद डी. और अगला सवाल है, शैलेश सोनी ने पूछा है कि भाई शादी के बाद फेसबुक पे चोरियों की फ्रेंड रिक्वेस्ट आनी बंद क्यों हो जाती है? आपको बंद हो गई? अनफॉर्चुनेट मेरे भाई, ऐसा नहीं है, आप अपना ही कुछ देखिए, आपका पर्सनल है, ये कुछ जेनेरिक स्टेटमेंट नहीं है, क्वेश्चन नहीं है. लोगों के तो दो दो बच्चे होने के बाद भी आती है भाई, आती है, लेकिन क्या होता है ना, ये हिपोक्रेट कुछ लोग होते हैं शादीशुदा, ये बोलते हैं कि नहीं आती है. हाँ. आती है लेकिन वो छुपाते हैं, जैसे अभी शाहिद बैठे हुए पीछे, हाँ, ये आदमी की स्माइल से लग रहा है कि इसको, ये चैट भी वहीं कर रहे हैं, हमारे ऊपर नहीं देख रहा है, इसका ध्यान कहीं और है, ये चैट कर रहा है, टाइम अगला फिक्स कर रहा है शाहिद की, मेरे को कहाँ जाना है, बीवी ऑनलाइन है, और ये बहुत ही अच्छी बात है, बट तूने साइड पे विंडो क्या खोला हुआ है वो हमको नहीं पता, हम नहीं देख पा रहे क्योंकि ये इधर करके है. सर अगला क्वेश्चन ये है कि पहले टाइम जो मतलब 10-15 साल पहले की बात थी कि सेलिब्रिटीज जो है डॉन की बेटियों में, बेटियों की शादियों में जाते थे, डांस करते थे और यू नो गाने गाते थे. आज अगर समझो गुत्थी या अपनी रिंकू भाभी किडनैप होकर दाऊद इब्राहिम के घर चली जाती है तो उनसे क्या बात होगी, कैसी आवाज में उनसे बात होगी? मुझे लगता है उसकी, लगता नहीं उसकी आवाज निकलेगी और लगता भी नहीं है कि उनके टेस्ट इतने खराब है किसी भी आदमी की जिंदगी में कि उनको बुलाएंगे कि गुत्थी आ जा. When they have beautiful lyrics, आप आए हैं हमारे घर में, तो वो तो आप आए तो वो गाएंगे ना, मैं थोड़ी गाऊंगा, आपके घर में फूल के लिए गुलशन गुलशन, फूल के लिए गुलशन गुलशन, मेरे तो पसीने निकलेंगे यहाँ से. आप देखेंगे जो कैरेक्टर भी है मेरा अर्नब का, जब वो इंटरव्यू करता है तो बड़े गट्स लेके जाता है ना, देयर आर ट्विस्ट एंड टर्न्स इन द एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस फिल्म, तो वो आप देखेंगे तो मजा आएगा. डेफिनेटली सर, कुछ कुछ क्वेश्चंस जो लोग अभी भी ऑनलाइन हैं वो कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. जैसे विधान गाडवी कहते हैं, यू आर अ वेरी टैलेंटेड एक्टर, सो आई ट्रस्ट यू, सो योर एक्टिंग इन मूवीज एज भगत सिंह, गब्बर, फ्रॉम हुम यू गॉट मोटिवेशन, आपका इंस्पिरेशन कौन है सर, वो पूछना चाह रहा है. इंस्पिरेशन, हाँ, इंस्पिरेशन, सम पीपल आर बॉर्न विद इट, आई एम वन ऑफ दोज डूड,
अगेन दिस इज फ्लॉन्टिंग. नो इट्स नॉट फ्लॉन्टिंग, इट्स जस्ट हमने आरबीसीजी का सिर्फ फ्लॉन्ट एक बार किया था. यहाँ पे बार बार हमको मिल रहा है. तो कई लोगों को ईश्वर डिसाइड कर देता है कि भाई तुझे यही करना है. तो आई थिंक मैं बचपन से मुझे यही चाहता था, लेकिन मैं छुपाता रहता था लोगों से कि मुझे एक्टर बनना है, क्योंकि बोलते हुए ना छोटे से शहर से हूँ, डब्बवाली से. तो वहां पे किसी को बोल रहा मुझे एक्टर बनना, ए जा रहा है, ए एक्टर बड़ा है, शकल देखी अपनी. तो ऐसी लोग बातें करते, तो ऐसे ये मेरे से सुना नहीं जाता था. उस मामले में मेरा हौसला डाउन था. तो मैं फिर बोलते था मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है. तो कम से कम मैं नौवीं दसवीं से तो लोगों से शाबाश लेते रहो, उसके बाद देखेंगे ना. जरूर. आपने फिर क्या पढ़ाई क्या की सर, फिर उसके बाद बन तो गया मैं डॉक्टर. डॉक्टर हाँ, पढ़ाई मैंने बीकॉम किया और फिर मैंने मास्टर्स किया ड्रामा में. अच्छा, दो साल. बट आपकी क्लास में मैंने सुना काफी गुत्थी जैसी लड़कियां थी जिनके हाथों में बाल थे, तो ऐसे लड़कियों को आप डेट पे ले गए थे? बाल उनके नहीं थे, बाल मेरे थे. लेकिन डेट पे वहां लड़कियां, डेट वेट का कोई कॉन्सेप्ट पहुंचा नहीं है वहां पे. ज्यादा से ज्यादा आप लड़की से ये कह सकते हो कि बहनजी ये क्लास ऑन हो गई क्या? बहनजी हाँ, मतलब. और इतनी बात भी कर लो तो सारा जो कॉलेज होता था वो कहता था यार तूने तो बात कर ली, मेरा भाई. तो उसको लगता हाँ वो मेरा भाई, तू बन गया डॉन, बन गया तू. अनुपात था वो था 1000 के पीछे दो लड़कियां कॉलेज में. अरे बाप रे, डबली बुढ़ा वाला. फिर मैं इंजीनियरिंग वाला रेशियो. और भी सर कुछ कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं, कुछ लोग आप पढ़ भी सकते. गुप्ता बेवफा क्यों थे? यशराज कक्कड़ का सवाल. यशराज कक्कड़ पूछना चाह रहे सोनम गुप्ता बेवफा क्यों है? तेरे साथ क्या कर गई बे वो? बेवफा क्या, अपना काम करे, ऐसे फालतू सवाल पूछ रहा, किसी का काम लेना देना नहीं है. अभी अंदर से सोनम गुप्ता बाहर आ रहा है. ये वही आदमी है जो रेलवे के जो बाथरूम में गंदे करता है वहां लोगों के फोन नंबर लिख के आता है. ये वही आदमी है, इसको पकड़ो, कॉल करिए. नंबर नोट करो इस आदमी का, देखो फेसबुक पे लिखो इनको. खबरदार अगर रेलवे के बाथरूम में आगे से तुमने कुछ और लिखा तो. स्कूल कॉलेज के बाथरूम गंदे करने वाले. सर आपका मूड ठीक करने के लिए मैं कह दूं, शुभम अवादिया कहते हैं वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडियंस. भाई मैं तो कह रहा हूँ बेस्ट एक्टर्स बोलिए, है ना सर. बेस्ट जब तक बोल रहे हैं तो ठीक है ना. अच्छा वो चले, मैं थोड़ा उनको क्यों उनको मैं आपके साथ वो दोनों हो गया ना. उन्होंने ये बोल दिया, आपने ये बोल दिया, मेरे लिए क्या बचा. मैं तो यही कह सकता हूँ कि आप दोनों लोग बहुत समझदार हैं. आयाश उपाध्याय आयुष उपाध्याय कहते हैं कि यू आर डेफिनेटली अ टैलेंटेड एक्टर, कैन यू प्ले एन एक्ट ऑफ शम्मी कपूर परफेक्टली? आई वुड लव टू डू दैट. आई लव शम्मी साहब. जो उनका स्टाइल था, वो मस्त होके गाते थे, मस्त होके डांस करते थे. और वो एक होता ना कि अक्वायर्ड टैलेंट होता कई लोगों का जो देख के, वो ऐसा नहीं था उनका. एक अंदर से आता था नेचुरल. आई वुड लव टू डू दैट. लेजेंड. सीरियसली. मोहित मोर पूछ रहे थे कि इफ यू मीट द यूएस प्रेसिडेंट, पाकिस्तानी प्रेसिडेंट और इंडियन प्रेसिडेंट, तो उनमें से आप किसको क्या बोलोगे? पहले तो उनसे पूछो कि मिलना चाहते हैं मुझसे. कौन मिलना चाहता है? भी लिखा है मोदी साहब. तो वो जो तीनों जो प्रेसिडेंट हैं, आई थिंक आई वुड रादर मीट द इंडियन प्रेसिडेंट. आज रात को उनका कुछ है बुलावा है? प्रेसिडेंट बोलता है प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर. सो सर आज रात को उनका कुछ है, मतलब बोलने वाले कुछ, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम 31st में कितनी पिए क्या बनाए कुछ तो. अच्छा हाँ, पार्टी शुरू कर दो भाई अभी से पार्टी शुरू कर दीजिए. बट आई थिंक इट्स अ गुड मूव. डेफिनेटली 100%. सर बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया है. अलीशा नाज, शुभमकर देशमुख, कुशवग्रह श्रीवास्तव, निशांत खंडेलवाल, रायंस नील, केआर सैगल, सब ये पूछना चाहते हैं आपसे कि गुत्थी, चुटकी, रिंकू भाभी और डॉक्टर गुलाटी में आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन है? मुझे सबको सब अच्छा लगता है. मुझे मेरा फेवरेट कैरेक्टर वही है कि जिसको लोग देखना पसंद करें. और टाइम के साथ थोड़ा थोड़ा चेंज होते रहना चाहिए. आई थिंक एक ही कैरेक्टर आएगा तो कई बार मोनोटनी हो जाती है. थोड़ा टाइम के बाद नया कुछ आना चाहिए. और दैट्स व्हाई देयर आर मेनी कैरेक्टर्स. मेरे हिसाब से सबसे फेवरेट मेरा सुनील ग्रोवर है. नाइस टू मीट यू. जैकेट सर दे देना बाद में. तुम्हारी पूरी नहीं आएगी मेरे. अरे सर मैं थोड़ा आधा पीन के चले. पर वो अगर जिसकी जैकेट है अगर वो तुम्हारे पीछे बाद में पड़ गया तो मुझे मत कहना. क्योंकि मैंने उसको प्रोड्यूसर की जैकेट है, चेक बाकी. एक प्रोड्यूसर की जैकेट. प्रोड्यूसर की इतना अफोर्ड नहीं कर सकता इतनी महंगी जैकेट. मैं कहीं और से लेके आया हूँ. Why do you think I am wearing only 3-4 suits in the film? Oh, अच्छा समझ रहा हूँ. कॉस्ट कटिंग, डीमोनेटाइजेशन चल रहा है. वैसे भी सर इमेजिन करिए कि आप एक प्लेन में जा रहे हो. अच्छा मैं इमेजिन करूँ. प्लेन में जा रहे हो दूर. मैं वैसे भी ट्रेन से अपने रियल लाइफ में भी ट्रैवल कर चुका हूँ. अच्छा सर
मतलब आई हैव ट्रेवल्ड बाय एयर सो नथिंग टू इमेजिन यस अच्छा वो वेरी गुड एंड आई नो कि अपने सीट बेल्ट कैसे बांधी जाती है मैं तो बांधता ही नहीं मैं एयरोस्टिस को बोलता हूँ आगे बांध के जाओ मजा आती है कुछ सीख रहा हूँ सर एनीवेज तो सर मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर आप प्लेन में समझो ट्रैवल कर रहे हो गुड आइडिया एनीवेज तो मैं बोलना चाह रहा था कि अगर समझिए कि प्लेन में आप सफर कर रहे हैं और वो प्लेन क्रैश होने वाला है अगर तुम एयर होस्टेस सॉरी अगर एयर होस्टेस पिछली बात पे जाते एयर होस्टेस अगर तुम एयर इंडिया में जाते तो नहीं 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 सर नहीं वो तो बाहर से आंटी प्लीज दूर से ज्यादा ड्रामा मत करना पानी ला के तो बस अच्छा इमेजिन करिए आप प्लेन में जा रहे हैं आपके साथ में जो है दाऊद इब्राहिम और अर्नब गोस्वामी है ठीक है ना और प्लेन क्रैश होने वाला है तो आपके से एक ही पैराशूट बचा है आपके अलावा तो आप किसको बचाएंगे मैं खुद को बचाऊंगा मैं खुद को बचाऊंगा आपके पास खुद के लिए है मेरे पास खुद के लिए है दूसरे के लिए नहीं दूसरा किसको मैं बीच में रख दूंगा मैं कहूंगा अपने आप डिसाइड कर लो भाई मेरे को खुद दे दो सर मैं तो बोलता हूँ दोनों यार तुम ऐसी सिचुएशन देख रहे हो पहले तो मेरे को भी डर लग रहा है कि प्लेन क्रैश होने वाला है मेरे पास एक पैराशूट है और मैं तो अपना कूदूंगा आपको सर टिप दूं दोनों पैराशूट लेके कूद जाना सच में नेशन विल बी वेरी हैप्पी विथ यू सर कुछ क्वेश्चंस और भी है लोग पूछ रहे आए आशीष आउते कहते हैं आई लव यू सर यू प्ले द रोल ऑफ डॉक्टर वेरी गुड दर्श देवानी कह रहे हैं आई एम ऑल्सो स्टडिंग बीपीटी डॉक्टरिंग सो क्या बोलते सर आपने तो डॉक्टरी की न्यू डेफिनेशन बना ली है सर आपको मतलब ऐसे डॉक्टर तो आप हर गली में होने चाहिए आई अग्री शादाब इदरीस कहते हैं यू आर बेस्ट देन कपिल आई कैन ओपन योर शो द ग्रोवर शो लव यू एंड योर एक्स थैंक यू माय फ्रेंड अवनीश पाठक कहते हैं व्हाट आर योर प्लान्स टू वर्क इन हॉलीवुड सर कुछ एंजेलिना जोली का अभी आपका मिस्ड कॉल मैंने देखा या दे कीप कॉलिंग बट जस्ट दैट मेरे पास इनफ माइल्स नहीं है मेरे कार्ड पे हॉलीवुड एक अगेन फिल्म्स बनाते हैं अगर उनके पास कुछ सूटेबल है और मेरे पास तो सारा वक्त है ही तो वो बुला लेंगे सर क्या बोलते हैं अमोल गुप्ता कहते हैं व्हाट्सअप डॉक्टर गुलाटी व्हाट्सअप राइट नाउ दिस चेयर इज अप मृत्युंजय पतांगिया कहते हैं व्हाट अ लवली डे भाई अभी हमने पर्दे खोले अभी हैविंग विटामिन डी यहाँ मैंने देखा अभी 10 में से 3 कमेंट तो पाकिस्तान से बहुत कमेंट आ रहे हैं फर्स्ट टाइम आई एम सेइंग दैट यू नो जितने भी कमेंट एक भी मैंने नेगेटिव नहीं देखा एंड आई लव माय पाकिस्तानी फैंस एंड आई लव पीपल फ्रॉम देयर हु सेंड सो मच लव ऑल द टाइम I know some people who had shifted from Pakistan to India. They are now Indians and so there was one land only. जी बिल्कुल सो हमेशा एक ही धरती थी बाकी पॉलिटिकल कारण होते हैं कई ऐसी चीजें होती हैं जिसके अंदर जो गवर्नमेंट रिलेटेड चीजें हैं वो अपने लेवल पे डील करते हैं बट जो लोग हैं नॉर्मल लोग हैं उनमें बड़ा सारा प्यार है और सारे प्यार के लिए थैंक यू बिल्कुल बिल्कुल और सर आप अपने टैलेंट से लोगों में और प्यार फैला रहे हो बहुत बड़ी बात है और मेरा काम है लोगों के चेहरे पे स्माइल लाना और यू आर सक्सीडिंग इन इट थैंक यू सो मच थैंक यू सर वो जैकेट बाद में मिलेगा ना सर जैकेट पूरा नहीं आएगा और पूरा आ गया तो जिस आदमी का है वो लेने जाएगा और तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी शादी है रात में जाना है एनीवेज रोहित सिंह सर पूछ रहे हैं कि सुनील ग्रोवर तू इतना लंबा है साड़ी कितने मीटर की पहनता है भाई तुमको पहननी है तुमको साड़ी के साथ और बहुत कुछ पहनना पड़ता है मेरे भाई तब जाके वो गेटअप पाता है तो कुछ 4-5 किलो ज्यादा लगाना पड़ता है समझ आई इतना आसान नहीं है और कहते हैं वेरी डिफिकल्ट टू बी अ वुमन यस इट इज ट्रू इट इज मतलब मैं क्यों बोल रहा हूँ हाँ बट इट इज सर अर्नब दास पूछ रहे हैं कि आप कॉफी डी में अर्नब का रोल कर रहे हैं आपने कुछ रिसर्च किया था कि मतलब अब अर्नब के मुंह पे सीमेंट मारे कि हमारे कान में सीमेंट मारे अर्नब तुम एक तो तुम्हारा नाम भी अर्नब है तो मुझे क्लियर नहीं कर रहे हो कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो ठीक है एक स्क्रिप्ट होती है मेरे भाई उसके ऊपर हम लोगों को एक्ट करना होता है बट आई थिंक अर्नब नाम रखा गया अर्नब गोस्वामी जो कि बहुत फेमस जर्नलिस्ट है और मेरा अर्नब घोष का कैरेक्टर है इसके अंदर जो नाम थोड़ा थोड़ा सिमिलर रखा है ताकि लोगों को समझ में आ जाए जल्दी जल्दी कि ये फिल्म किस बारे में है और ये कैरेक्टर क्या है सूरज कुमार आपको विश कर रहे हैं सर हैप्पी न्यू ईयर सर
अभी चढ़ने तो दो पर थैंक यू सो मच सूरज कुमार जी, अगला जो सूरज है आप चमकते रहें सूरज की तरह, ये मेरी मनोकामना है आपके लिए। और वैसे भी देखिए सूरज मेरे चेहरे पे भी आ रहा है, जब तक हम लोग ये बातचीत जारी रखेंगे तब तक हम विटामिन डी मिलता रहेगा, ऐसा नहीं है कि ये व्यर्थ जा रही है। विटामिन दाऊद है, विटामिन डी इज कॉफी विद डी। अच्छा कॉफी विद डी। सर रजत नागपाल कह रहे वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट टैलेंटेड एंड वर्सेटाइल एक्टर, हैट्स ऑफ सर, कितना प्यार है सर सबके लिए। आई अग्री माय फ्रेंड, सब लोग आपको बहुत प्यार करते हैं। कंप्लीटली अग्री, आई लव देम टू। आदित्य गौर बोल रहे हैं कि ऐसा कौन बोलता है, क्या ऐसा कोई बोलता मैं है? बोलता हूं भाई, और कौन बोलता है? डॉक्टर गुलाटी आ रहे हैं बाहर भाई, आपके बिना शो अधूरा है, प्रतीक चवेली कहते हैं। अच्छा तो कोई नहीं, फिर पूरा हो जाता है। हर शो में आप आरबीसीजे में आइए सर, ये हमारे शो की बात कर रहे हैं। आई वुड लव इट, आप इतने सारे स्माइल स्प्रेड करते लोगों के चेहरे पे, और इतना ये ना जो तुम्हारा ना, तुम्हें बहुत कुछ अभी एक्वायर करना पड़ेगा जिब्रान, ऐसे नहीं होगा। क्या सर क्या एक्वायर करना पड़ेगा? सबसे पहले तो तुम्हें जितने भी वो मेरे जो फीमेल के मैसेज आते हैं मेरे लिए, वो तुम्हें मेरे को आगे फॉरवर्ड करने पड़ेंगे। सर मैं आपको नंबर भी भेज दूंगा सर। हाँ बिल्कुल सर। वसीम सगीर पूछ रहे हैं, एक मिनट शायद कुछ लेके आए हैं। निधि भारद्वाज कह रही है आई लव योर ऑल गेटअप्स बट डोंट यू गेट कन्फ्यूज एट होम एज ऑलवेज यू बिकम वुमन। निधि भारद्वाज, आई डू गेट कन्फ्यूज व्हेन आई वाज शूटिंग फॉर दिस फिल्म कॉफी विद डी, व्हाट हैड हैपेंड सर्टेन टाइम्स व्हेन यू नो बिफोर द शॉट आई वेयर माई लिपस्टिक, सो आई यूज टू चेक द फाइनल चेक्स में मेरे को होता था कि यार मैंने लिपस्टिक लगाई कि नहीं लगाई। सो मैं कर, अरे यार मैं तो मरद हूं पूरा इसके अंदर। ओके आई लाइक टू इंट्रोड्यूस टू द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, ही वॉज इन द बाथरूम फॉर लॉन्ग टाइम, I would just call him if he's around. Still in the bathroom, send him. Knock the door and call him. Yeah? Sir, मतलब ये जैसे आपने कहा वुमेन बनने का, कभी मतलब ऐसा घर पे या कभी गर्लफ्रेंड ने कभी बोला है कि आज बेबी मुझे गुत्थी से या चुटकी की तरफ से या डॉक्टर गुलाटी की तरह प्यार करना, ऐसा कुछ रोल? फैमिली शो? नहीं नहीं फैमिली शो की बात है, प्यार तो ये कैरेक्टर करते ही है, और आई थिंक people who love me they know that as in love Sunil Grover is better best. Oh okay. Okay family show आगे बढ़ते हैं। एक सवाल जो है शुभम शर्मा पूछना चाहते हैं, कपिल और आप एक साथ फिल्म में कब काम करोगे? आई थिंक जल्दी जल्दी सुन इनफ। रजत व्यास पूछ रहे कि आपने बहुत स्ट्रगल किया, मतलब बहुत सालों से माशाल्लाह आप स्ट्रगल करते आ रहे हैं, बट कॉमेडी नाइट्स ने आपकी लाइफ चेंज की, चुटकी गुटकी गुत्थी सॉरी सब आए, तो वॉज इट वियर्ड कि मतलब पहले आपको जब फर्स्ट कॉल आया था वो कैसा फीलिंग था कि यू नो ये बनना है या मुझे ये करना है? कॉमेडी नाइट्स के टाइम पे फर्स्ट कॉल आया था गुत्थी बनने के लिए? गुत्थी में उससे पहले बन चुका था, लेकिन हाँ ये शो जो है इसने कॉमेडी नाइट्स विद कपिल जो शो आता था कलर्स चैनल के ऊपर, इस शो ने हम सबकी लाइफ बदल दी। बिल्कुल बिल्कुल, और वी वर वेरी वेरी हैप्पी टू बी फॉर्चुनेट टू बी पार्ट ऑफ दिस शो, एंड इंडियन टेलीविजन को भी काफी चेंज किया है। चेंज किया और बहुत सारे लोगों के चेहरे पे स्माइल है। पहले तो सक्सेस लगती थी खुद अपनी कि अपनी सक्सेस हो रही है, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि इसका तो और बाय डिफॉल्ट कितने लोग हंस रहे हैं, कितने लोग मुस्कुरा रहे हैं, और अब ऐसा लगता है कि जर्नी द कपिल शर्मा शो जब सोनी टीवी पे आता है, जर्नी वहां से शुरू हुई थी और अब ये जर्नी आगे बढ़ के इस चैनल पे आ गई है, तो अब ऐसा लगता है कि यू नो यू कीप वर्किंग हार्ड नॉट ओनली फॉर योर सेल्फ बट फॉर पीपल, सो मेनी पीपल हु वांट टू वॉच यू, एंड जिनका स्ट्रेस कम होता है शाम को सारी फैमिली के साथ इकट्ठे बैठते हैं और वो शो देखते हैं, तो अब अच्छा लगता है वो फील। कुछ आखिरी कमेंट्स एक हम लोग लेंगे। अनुज बलदुआ कह रहे हाय, करण कुकरेजा कह रहे ऑसम वर्क सर, ग्रेट फैन ऑफ योर्स, प्लीज कम अप विद मोदी सर समडे ऑन योर शो, प्लीज कम अप विद मोदी जी ऑन योर शो, वी वुड रिक्वेस्ट हिम, वी वुड सेंड इनवाइट, वी हैड ऑल्सो, पर आई थिंक उनके पास और बहुत बहुत जरूरी और बड़े काम है, तो वेन एवर ही फाइंड्स टाइम सो वी वुड लव टू डू दैट। सर सादिक रंगरेज कह रहे हैं कि रात को बुलाता यार पीने के बाद अच्छी बातें होती, रात को बुलाता यार पीने के बाद अच्छी बातें होती, आज 31st है ना सर? अच्छा बस यही ध्यान रखें कि प्लीज डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, एंजॉय करें, आज 31 रात है, नया साल आने वाला है, और मुझे सिर्फ एक चीज पूछनी थी मेरे भाई जिब्रान, इफ यू अलाउ मी। जी सर, सब लोगों से मुझे एक बात पूछनी है कि ये बाल ठीक लग रहे हैं ऐसे कलर आगे से? नहीं सर अच्छे लग रहे हैं, मुझे तो अच्छे लग रहे हैं। आपको अच्छे मैटर नहीं करता, मेरा टारगेट कुछ और है, तो दिस इज माई शोज
Mr. Sunil Grover. But right now I am here. I know. But it is live. I take that advantage. I take that advantage. एक करोड़ बीस लाख लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ के बाल अच्छे लग रहे कि नहीं. द नेशन वॉन्ट्स टू नो और नीचे ही है सैलून तो वहीं चला जाऊंगा अगर नहीं अच्छे लग रहे तो. दीपांशु मिश्रा कह रहे ग्रोवर इज द बेस्ट. ऑब्वियसली थैंक यू दीपांशु. आई अग्री सर. ऋतिक मैंने सुना था कहीं पे ऋतिक देखा था. ऋतिक अग्रवाल पूछ रहे आई हर्ड दैट योर मंथली इनकम इज 5 crores. इज इट ट्रू सर? सर ऋतिक अग्रवाल पूछ रहे हैं. अग्रवाल साहब आप मारवाड़ी हैं तो मुझे पता चल गया. तो आपके पास और बाकी लोग टैलेंट के बारे में शो के बारे में बातें कर रहे हैं, आपका ध्यान यही क्यों है? कोई कमा रहा है जितना भी कमा रहा है, 5 रुपए कमा रहा है 5 करोड़ का, आपको क्या लेना देना उसके अंदर? करो ना अपना काम, मेहनत करो, आगे चलो. बिल्कुल पसंद नहीं आए लोग. बिल्कुल अग्रवाल साहब आपके मुंह में घी शक्कर जल्दी हो जाए इतने पैसे तो मुझे. ये हमारे डायरेक्टर साहब है विशाल जी का. आप बाथरूम में क्या कर रहे थे विशाल? मैं जी अपनी वाइफ के साथ डेट कर रहा था. शी जस्ट केम फ्रॉम बैठी. अरे बस अभी चेक बाकी है. हो गया सर, दिया ना आपको. प्रोड्यूसर साहब से बात कर लीजिए जरा, विनोद जी से उनको भिजवा दीजिए. अभी वो जैकेट हमने रैंसम पे रख लिया. रैंसम पे उनका नहीं है, उन्होंने बड़े महंगे महंगे कपड़े. विशाल जी द बेस्ट एक्सपीरियंस दैट यू हैड इन दिस फिल्म? बेस्ट एक्सपीरियंस ऑब्वियसली सुनील के साथ काम करके और इतने सारे अच्छे एक्टर साथ करके बहुत काम करके बहुत मजा आया. लेकिन सबसे ज्यादा मजा आया उस इंटरव्यू में जो हमने शूट किया, क्योंकि वो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है बॉलीवुड में भी और इंडिया में कि 25 मिनट तक एक ड्रेडेड डॉन और एक नोटोरियस जर्नलिस्ट बैठा है. फिल्म के हिट होने के बाद कौन सी गाड़ी आप सुनील ग्रोवर को गिफ्ट में देना चाहेंगे? फिल्म के हिट होते ही सारे लोग 1 करोड़ 20 लाख लोग देख रहे हैं और बाकी जनता भी उनको आप मैसेज जाएगा. बिल्कुल बिल्कुल सर, हमको साइकिल यूट्यूब पे भी कुछ रिकॉर्ड हो रहा है. आई थिंक आप चाहते हो कि हम वो बोले जो हमने फिल्म शुरू होने के पहले दूसरे को प्रॉमिस किया था कि अगर फिल्म हिट होगी तो सुनील के पास साइकिल नहीं है, वो मैं सुनील को दूंगा. सुनील मेरे को अपनी और सुनील अपने आपको सुनील मेरे को BMW दे रहा है जो कि सुनील के पास है. तो वो बात तो हो चुकी है, उसको बार बार क्यों ला रहे हैं? BMW है सर. दो सर, चलिए सर, चलते हैं दो हैं तो पड़ गई. इसीलिए ये डायरेक्टर है, इसीलिए इनको डायरेक्टर बनाया गया कि ये वन अपमैन ऐसे करें. अभी तक एडिट फाइनल नहीं हुआ है तो आई थिंक मैं ज्यादा बदतमीजी कर नहीं सकता. ऐसा नहीं हो कि मेरे सीन सारे काट दिए इन्होंने. काट दिए ना वाले आपके हॉट सीन्स, लव मेकिंग सीन्स. बेस्ट 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 पार्ट वॉज अच्छा जब ये फिल्म सुनाई गई. मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे फिल्म जब ये फिल्म सुनाई गई सर ने मुझे बताई कि इसके अंदर ऐसा है कि सुनील पहले एक एक रोमांस दो दो लड़कियां हैं. तो मैंने कहा 50% तो मेरी हाँ हो गई थी. फिर 50% के लिए उन्होंने कहा कि एक हॉट सीन है, लव मेकिंग सीन है. तो मैं कहा सर डन फिल्म, मुझे स्टोरी बहुत पसंद आई. तो अब वो सीन जिसकी जब बारी थी वो कुछ शूट खत्म होने के एक दिन पहले वो सीन उन्होंने रखा और तब मुझे सेट पे बुलाया गया. मैं पूरा झाग भाग से नहा के बाल वाल सेट करके और बेस्ट परफ्यूम जो मैं मार्केट में अवेलेबल था महंगे से महंगा वो मैं खरीद के लगा के गया कि आज तो बेटा सीन है. और जब वो च्युइंगम खाई मैंने और सब कुछ के ब्रश ब्रश किया ना मैंने अच्छे से घुमा के हो गया था तो सारे कीटाणु मार के मैं वहां पे पहुंचा. और जैसे ही पता चला कि ये सीन तो वहां जो दीपानिता वैसे तो मेरे बिल्कुल इतने 1.5 फीट से बात करती है पर उस सीन में मेरे को 7.5 फीट दूर बैठ के इन्होंने बातें कराई. सो दिस वाज द रोमांटिक सीन, द लव सीन इन द फिल्म. ये मेंटल रोमांस है. अरे द रोमांस इज हैपनिंग इन द हेड. हाँ, जो गाड़ी भी हेड में ही मिल जाएगी फिर तो. हाँ, साइकिल भी हेड में, इमेजिनेशन में मिल जाएगी. सर पूजा सचदेव का एक कमेंट आया था कि आई वॉन्ट टू गो ऑन अ डेट विद यू. सर मेरे पास अभी टाइम नहीं है तो आप जाना चाहे तो. आपके लिए आया मैसेज कि मेरे लिए आया? वो सर लिखिए कि आई वांट टू गो ऑन अ डेट विद यू. तो हम तीनों में से किसी एक का इन्हीं के होगा, इन्हीं के. वैसे भी अभी मेरे को फेसबुक के चैट अभी जल्दी खत्म करनी पड़ेगी बिकॉज़ आई हैव सम अदर वर्क. पूजा, हाँ पूजा सचदेव कहाँ की रहने वाली है? मैं आपको लिंक भेजता हूँ सर. ठीक है, कमेंट्स का लिंक भेजता हूँ. सो लेट्स, जो इस चैट का ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हो गया है. आई थिंक हमको हम लोगों ने बता दिया अपनी फिल्म कॉफी विद डी के बारे में कि 6 जनवरी को रिलीज हो रही है 2017 को और ऑब्जेक्टिव तो हो गया. क्या नाम है? पूजा. पूजा तो पूजा और कोई नहीं, दूजा और कोई नहीं दूजा. या थैंक यू जिब्रांत, लवली टॉकिंग टू यू. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस शो. थैंक यू ऑल सर, एवरीबॉडी. थैंक यू विशाल सर जी. प्लीज गो एंड वॉच द फिल्म. ये अब मेरे शो से किसी और का शो हो रहा है. दिस इज माय शो. ओके, अभी तो बस अभी तो पूजा ना तो तुम्हारा शो है. सो ओवर टू जिब्रांत. बाय बाय. थैंक यू.
सर हमको तो आप अभी पप्पू मैं पप्पू लेना तुमको अभी अगली बार। हाँ सर अगली बार तुमको पप्पू लगा के यहाँ लगाओ ना, ये ऐसा क्या करता अच्छा लगता है। जैसे पिक्चर सुपर हिट होगी हमको एक पप्पू माइक, ये माइक देखो उसको पकड़ना भी यहाँ से पकड़ता है, जरा एक इंच से पकड़ता ऐसे गिर जाता है, इधर से ऐसे गिर जाता है, ऐसा ऐसा फैमिली शो में ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल अच्छा माइक है सर, खच खच की आवाज जा रही होगी। तो एक पप्पू लीजिए और यहाँ लगाइए आप। हाँ तो अगली बार जब भी हम मिलेंगे तो पप्पू के साथ बिल्कुल किसके पप्पू अच्छा, ये वाला पप्पू हाँ। आपके यहाँ होगा, मेरे पास पप्पू होगा। यस अभी ये भी कुछ अलग जा रहा है। दैट्स इट फोक्स, दैट्स इट फोक्स, थैंक यू सो मच सुनील जी हमारे को ज्वाइन करने के लिए। और इस पेपर पे कोई क्वेश्चन नहीं है, उन्होंने कांटा जीरो बना के खेला हुआ है यहाँ पे, ऐसे मन में बना बना के मनगढ़ंत क्वेश्चन पूछ रहे थे ये टाइम पास। हाँ सर प्लीज देखिए कॉफी विद डी फर्स्ट फिल्म टू रिलीज नेक्स्ट ईयर 6 जनवरी 2017 को अपनी नजदीकी सिनेमा घरों में। सर थोड़ा गुत्थी की आवाज में या डॉक्टर गुलाटी की आवाज में कुछ हमको बोल देंगे। बाय बाय बाय। 2016 तो फिर हो गया ठीक है, 2017 में ये एक फिल्म रिलीज हो रही है कॉफी विद डी, आप इसे जरूर देखिए, अगर ये नहीं देखें तो फिर भगवान आपको देखेगा। एंड ऑल्सो माई फ्रेंड्स विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर, विश यू आप अपनी लाइफ बहुत सारा हेल्दी रहें और खुश रहें, आबाद रहें, दिल्ली चाहे फरीदाबाद रहें, एंड अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताएं, खूब सारी सक्सेस। और 1 जनवरी से वाइट मनी ही वाइट मनी है, होप आज लास्ट दिन था, बैंक बंद होने वाले हैं, आपके पैसे सारे जमा करा दिए, जिन्होंने नहीं कराए हैं वो जल्दी जल्दी भागी और जमा करा के आइए। एंड विश यू वाइट इनकम वाला ईयर। सर आप मुझे बोल सकते हो अगर आप मुझे पसंद नहीं कर रहे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं आप मुझे बहुत पसंद आए जिब्रान, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बीन वेरी काइंड एंड वेरी नाइस एंड या जितनी मस्ती हमने इंटरव्यू में की उतनी मस्ती फिल्म में है, प्लीज जाके देखिए जनवरी 6 को। और ये पप्पू वाला माइक, नेक्स्ट टाइम थोड़ा हम चेंज करेंगे, लेकिन अंटिल नेक्स्ट टाइम बाय बाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज़। और से नो टू ड्रग्स, से नो टू पायरेसी, से नो टू ड्रग्स, से नो टू पायरेसी एंड से यस टू लव। चलिए सर पूजा कर सही से ओके डूड तुमने कहा कि मैं जो टैलेंटेड वैलेंटेड हूँ वो सब ठीक है, बट मेरे को अभी ये है कि मेरे को थोड़ा सा ना अपनी ड्रेसिंग सेंस इम्प्रूव करनी है जी सर। तो मेरे को यह कि मैं अच्छे कपड़े पहनूं और लोग मैं मशहूर हो गया हूँ सर, तो अब लोग मेरे को अच्छे कपड़ों में देखें। सर आप तो साड़ी में भी बहुत खूबसूरत लगते हो, वो तो तुम्हारी नजर खराब है ना दोस्त, तुमको उसमें मैं लगता हूँ, वरना तो मैं भरा पूरा मर्द हूँ लेकिन तुम्हें उसमें देख। अच्छा तो मैं चाहता हूँ कि इफ यू डोंट माइंड कैन आई बोरो 20 सेकंड जी जी फ्रॉम एवरीबडी। हेलो जी, सो आई विल गो बाय योर रिस्पॉन्स व्हाट एवर यू से। आई एम वेयरिंग दिस जैकेट, इट्स अ न्यू डेनिम। यार देखो कितने लोग हैं, वाओ जिब्रान, आई नो ये इनडायरेक्ट जो तुम अपनी ही प्रेज कर रहे हो ना, ये मुझे समझ में आ रही है। हमारे 1% है, 100 करोड़ जनता तो आपको पसंद करती है, हमको तो 1 करोड़ जनता भी तक पसंद करती है। अच्छा तो तुम्हारे पास हाजिर जवाबी भी है, वेरी नाइस मीटिंग आपसे सीखा सर, थैंक यू। माइक मेरा बंद नहीं हुआ, हाथ में क्यों रखा हुआ है तुमने वो, 1 करोड़ 20 लोग लाख लोग तुमको देख रहे हैं, तुमने वो पप्पू नहीं खरीदा हुआ जो यहाँ पे लगा के यहाँ पे हो जाता है। सर वो पैसे नहीं है, थोड़ा बजट कम है। देखो तो जूते भी भाई से मांग के पहन के आया हूँ भाई, और तुम्हारा साइज सेम है, लकी हो भाई भाई। हाँ, सर हमारा और एक ये अब नंबर नोट कर लीजिए पहले, दिस ऑप्शन विच यू हैड सीन विद दिस जैकेट, इसके साथ ऑप्शन है आपके पास, दिस इज ऑप्शन ए ओके विद द जैकेट, ऑप्शन ए जैकेट विदाउट द जैकेट इज ऑप्शन बी, सो दिस इज ऑप्शन बी ओके, और जैकेट के साथ में ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, सो आई विल हैव टू स्टैंड अप एंड वेयर इट। ऑप्शन डी ये होगा कि सारे कपड़े, ऑप्शन डी इज कमिंग ऑन 6th of January अच्छा विच इज कॉफी विद डी, बट यस वन सेकेंड सो दिस इज ऑप्शन डी ओके और सी। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आरबीसीजे के एक्सक्लूसिव लाइव इंटरव्यू में मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त जिब्रान नूरानी, और मेरे साथ आज ऐसे शख्स बैठे हुए हैं जो इंडिया के फनीएस्ट पर्सन कहे जा सकते हैं, ये कुत्ती भी है, ये चुटकी भी है, ये डॉक्टर गुलाटी भी है, ये रिंकू मासी भी है, भाभी भी है, अगर कपिल रोलिंग पेपर है तो सुनील ग्रोवर कोकेन है, ठीक है ना। सर हमारे 1 करोड़ 20 लाख जनता से की तरफ से मैं भी आपको वेलकम करना चाहता हूं यहाँ पे आरबीसीजे के से। ये फ्लॉन्ट कर रहे हो ना तुम अपने 1 करोड़ 20 लाख जनता से है ना जैकेट, बाय द वे ये आप फ्लॉन्ट कर रहे हो ना, डेनिम जैकेट वाला
आप फ्लॉन्ट कर रहे हो ना डेनिम जैकेट? फ्लॉन्ट नहीं कर रहा, मैं तो बता रहा हूँ कि मैं अगर तुम मेरे घर पे आते ना मैं वार्डरोब खोल के दिखा देता पूरा। बट यस, सो ये है, एक मिनट आप पकड़ेंगे। हाँ जी सर। इसके नीचे मैंने टी शर्ट पहना हुआ है, अब आपको बताना है कि क्या अच्छा लग रहा है तो मैं वही पहन के आपसे बातें करूंगा। और एक जैकेट भी है सर, जैकेट भी है हमारे पास। हमारे पास नहीं, वो मेरी जैकेट है, आप अपना हक ना जमाएं उसके ऊपर, वो मेरी जैकेट है। सो ये टी शर्ट है, नॉर्मल टी शर्ट एंड या इसके ऊपर ये मुझे लगा डोले बता रहे हो। डोले तो तुम जिम जाते थे, इसका मतलब सारी जनता थोड़ी जाती है। ओके।